हमारे यहाँ पे सुरेश अग्रवाल और केडी शाह, शुगर सुरेश अग्रवाल जी और केडी शाह आज मुंबई जो है शाम को एक बार फिर से भगवा में देखेगी, क्या कहेंगे कल वाराणसी पूरी भगवा में, आज मुंबई पूरी भगवा में। आप देख रहे हो सिर्फ वाराणसी और मुंबई नहीं, पूरा देश भगवा में हो चुका है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जहाँ जहाँ शिवसेना भाजपा आयुति की उम्मीदवार है सभी जीत के आए। आपने कहा कि एक साथ सब एनडीए के नेता एक साथ आए, लेकिन प्रियंका गांधी वहाँ चुनाव लड़ने की बात थी लेकिन वो नहीं लड़ी। मुझे लगता है कि नहीं भाग रहे हैं सब। मुझे लगता है कि कोई भी विपक्ष का नेता जो है जिसको प्रधानमंत्री बनना है या जिसको एनडीए को हराना है कोई भी चुनाव में उतरने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। शायद भाजपा के खिलाफ हो, शिवसेना के खिलाफ हो, कोई भी तैयार नहीं, तो ऐसे विपक्ष कैसे आगे जा सकते हैं। आपने कहा कि एक तरफ राष्ट्रवाद का एजेंडा है, दूसरी तरफ टुकड़ा टुकड़ा गैंग है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा एक तरफ देश की सिक्योरिटी है, देश का हित है, और दूसरी तरफ वही कांग्रेस है जिसको 370 कलम वैसे के वैसे रखना है, देशद्रोह का कलम निकालना है। ये मैं भी मानता हूँ कि देशद्रोह के कायदे में कुछ बदल लाने चाहिए, राष्ट्रीय हित से ना पारा जाए, लेकिन वो निकालना मुझे देश के खिलाफ कर। आप पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र और मुंबई में किस तरह की स्थिति आप देखते हैं कि क्या 2014 के पूरे 6 की 6 सीटें नहीं मिलेंगी? बिल्कुल, मुंबई एक ही शहर है, मैं इसको 6 सीटों में अलग नहीं देखता, और इसीलिए मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा एनडीए की सीट है। क्या सर लोकसभा की तरह विधानसभा भी साथ लड़ेंगे आप? बिल्कुल, ये तो उद्धव जी और अमित जी ने कहा है। क्या चुनाव आते ही आपका नूरा कुश्ती जैसे चलता था बीजेपी और शिवसेना का, ये अभी बंद होगा? मुझे लगता है मैं उस मीटिंग में नहीं था तो उधर क्या तय हो गया। आपने कहा कि आप शिवसेना और बीजेपी सोशल इश्यूज पर, लोगों से जुड़े इश्यूज पर झगड़ते रहे पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में जब आप सरकार में रहे। गठबंधन का जोड़ इतना मजबूत है कि बीजेपी को ऑफर दी है एनसीपी ने, लेकिन उन्होंने इनका साथ नहीं दिया, आखिर भी शिवसेना ने साथ दिया। शिवसेना को ऑफर दिया था, क्या ऑफर था? बिल्कुल कि हम साथ में सरकार में, लेकिन दोस्त को कैसे छोड़ सकते हैं? कांग्रेस एनसीपी ने दिया था, मुख्यमंत्री को छोड़ दिया, विपक्ष ने दिया था। और मैं यही कहूँगा कि अभी उन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, अभी यही बात होनी चाहिए कि एनडीए के जो काम है पिछले 8 सालों में वही सबसे। आपने आज मुझे बुलाया, सभी को बुलाया, मैं सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ सभी को, क्योंकि आज वर्किंग डे होने से भी आप यहाँ इस बड़ी तादाद में आए, यही बताता है कि ये जो एकता है, ये जो सपोर्ट है, वो हमें 29 तारीख को जिताएगी और 23 तारीख को सिर्फ आजाद मैदान में राष्ट्रपति भवन में साथ चलेगी। राज जी को तो मैं मेरे बचपन से जानता हूँ, और जब वो मुंबई अध्यक्ष थे और हमारे बीएमसी के प्रोग्राम्स को आते थे तो अलग ही मजा आता था, क्योंकि वो भाषण एक ऐसे माहौल बना देते थे भाषण से। मुझे याद है उद्धव जी भी कोई भी अलग कोई गेस्ट हो तो भी बोलते थे राज भाई आप बोलो पहले, फिर माहौल बनेगा तब बोलेंगे। गरम कर दे। लेकिन एक जैसे इन्होंने कहा, शाइना जी ने कहा, अरविंद जी ने कहा कि ये चुनाव जो है वो तो गली का चुनाव नहीं है, वो देश का चुनाव है। 29 तारीख को जब हम मतदान करेंगे तब ये सोचना है हमें कि देश का नेता कौन बनेगा। बिल्कुल, ये तो सही मायने में हमारे सबसे बेस्ट आमदार है, नगर सेवक है दोनों, और सबसे बेस्ट खासदार भी है, और शाइना जी भी है जो सबसे बेस्ट टीवी पे हमारे लिए झगड़ती रहती है, टीवी पे नहीं तो कैंपो के टाइम पे तो रास्तों पे भी थी, काफ़ी सारे आंदोलनों में रहती है। लेकिन ये सारे मुद्दों को हमें हमारे सामने रखकर सोचना है कि देश का नेता कौन बनेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा अगर बेस्ट आमदार भी हो, बेस्ट नगर सेवक भी हो और बेस्ट खासदार भी हो तो भी 29 तारीख को हमारा हर एक मत ये जरूरी है। जैसे कह वो एयरटेल की ऐड थी, हर एक दोस्त जरूरी होता है, वैसे आपका हर एक वोट जरूरी होता है, क्योंकि आपका एक वोट यहाँ खासदार को चुना जाएगा, यहाँ से जो सांसद बनेगा वो कल प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा देश का, ये तय करने वाला है। आपको याद होगा कि हम जैसे आज पूरे देश में माहौल है कि मोदी जी सबसे बड़े सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं लेकिन दुनिया में एक स्टेट्समैन है, रशिया ने परसों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था, कहीं और कुछ चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो रिकग्निशन आ रही है वो तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन ऐसा ही माहौल 2004 में था और तब वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, लेकिन तब भी ऐसे लगा था चलो देश में तो वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये तो मैं कुछ अलग यहाँ मतदान करूंगा, किसी और को वोट दूंगा तो चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक वोट जरूरी होता है। वाजपेयी साहब की बात करें तो उनकी भी सरकार एक मत से गई थी, और ये अभी हमें नहीं करना है, क्योंकि आपने गए 10 साल देखे हैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के, मैं तो उनको भ्रष्टवादी कहता हूं, लेकिन यहां शायद एमसीए में कुछ आदर से कहना पड़ेगा, सम्मान से कहना पड़ेगा, लेकिन
वो तो बात अलग है, ये कोई वैयक्तिक टिका टिप्पणी नहीं, ये तो पार्टी के हिसाब से होती है, राजनीति अलग चलती है। लेकिन आपने उनका काम देखा है और फिर 95 और अभी पिछले 5 सालों में महायुति का काम देखा, बिल्कुल हमने हम दोनों में कई ऐसे मुद्दे थे जिस पे हम बातचीत करें, डिस्कशन करें, झगड़े, मनमुटाव था। लेकिन वो तो दो दोस्तों में की बात है, जैसे दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, कुछ खराब कपड़े पहनते तो पूछते हैं ये क्या पहन के आया है, तो इतना खराब है। लेकिन ये एक दूसरे की सरलता के लिए कहते थे, एक दूसरे के हित में कहते थे, और जो भी मुद्दों पे हमने बातचीत की, उद्धव जी हो, अमित शाह जी हो, मोदी साहब हो, देवेंद्र जी हो, आप देखोगे तो अभी तक जो पिछले 5 सालों में जो भी सरकार चली है इतनी स्मूथ चली है कि जो भी कहना था वो दिल से कहा, साफ मन से कहा, और पेपर में भी आया, जनता के सामने था, क्योंकि जनहित का काम था। कोई भी ऐसी चीज नहीं था कि इसको मंत्री बनाओ, इसको मत मंत्री बनाओ, हमें मंत्री बनाओ, खुद के लिए कोई बात नहीं थी, जनता के लिए थी। और जब दो लोग, जब दो पक्ष जनता की सेवा में उतरते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो अपने अपने इनपुट में काम करते रहते हैं, कभी किसी का इनपुट सही हो सकता है, कभी किसी का इनपुट गलत हो सकता है। अभी भी हम दोनों में ऐसे एक खुलापन है, अधिकार है कि कुछ भी सही गलत हो तो खुल के दिल से बात करें, तो ये चीज तो चलती रहेगी। लेकिन अब अगर देश को आगे लेके जाना है, काफी सारी चीजों पे, काफी सारे मुद्दों पे मोदी साहब ने बोल्ड रिफॉर्म्स किए हैं, बोल्ड कदम उठाए हैं, जैसे आपको पता है GST, ये बोल्ड कदम है। शायद अभी इकोनॉमी ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगली सरकार जो है, अगला प्रधानमंत्री उसी को बनाना चाहिए जिन्होंने इस GST के इम्प्लीमेंटेशन में विजन देखा है, क्योंकि उनको पता है कि कब ऊपर जाने वाली इकोनॉमी है, कब नीचे जाने वाली है, कब रिकवर करने वाली है। आप सोचो अगर ये जो रिफॉर्म है या जिस मोड पे हमारा देश है अभी, वो किसी और के हाथ में दिया जाए तो कैसे होगा? सत्यानाश हो जाएगा साहब। जिसको पता ही नहीं कि GST क्या है या क्यों लाया गया है, जिसको GST का फुल फॉर्म भी पता नहीं है, उनके ट्विटर अकाउंट पे कुछ अलग कहा जाता है, जिसको देश के लिए विजन नहीं है, जिसको खुद के पक्ष में पार्टी में क्या चल रहा है पता नहीं है, किसको टिकट देना है पता नहीं है, तो ये सब मुझे लगता है एग्जैक्टली तो ये सारी चीजें जो अगर आप नजर में ले तो फिर किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए आपने तय करना चाहिए। आप राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे या आप मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनाओगे? पिछले 5 सालों में ऐसे कांग्रेस और राष्ट्रवादी को लगता था कि अरे चलो शिवसेना भाजपा का तो झगड़ा है, बहुत अच्छा चल रहा है, हम भाजपा से कहते हैं हम आपके साथ आते हैं, राष्ट्रवादी ने भाजपा को भी ऑफर दी थी कि हम सरकार बनाते हैं, शिवसेना को छोड़ दो, तो भाजपा ने कहा नहीं हम नहीं छोड़ सकते, ये हिंदुत्ववादी पक्ष है, विकास के बारे में बात करते हैं, तो क्यों छोड़े, हमें भी ऑफर आई थी कांग्रेस सरकार बनाते हैं, तो हमने कहा नहीं भाई 40 अलीबाबा और 40 चोरों के साथ नहीं जाएंगे। कैसे करो, उनके साथ कुछ चला है तो कैसे चला है? जिनका मन देश सेवा में नहीं लगता है, जिनका मन लोक सेवा में नहीं लगता है, जिनका मन लोगों के काम करने में नहीं लगता है, लेकिन खुद के पनामा अकाउंट हो या खुद के बैंक अकाउंट हो उनमें लगता है, उनके साथ काम भी तो कैसे करें? इनके साथ जब साथ आए हैं तो अगर आप देखोगे तो हर एक नगर सेवक हो, हर एक आमदार हो, हर एक खासदार हो, हर एक मंत्री हो, कोई भी अपने घर में नहीं रहता है, लोगों के घर में रहता है, लोगों के मन में रहता है, लोगों के दिल में रहता है, क्योंकि हम काम करते रहते हैं। और इसलिए ये सारे मुद्दों को लेके हम आगे जा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, जैसे मैंने कहा ये गली की इलेक्शन नहीं है, ये राज्य की इलेक्शन नहीं है, देश की इलेक्शन है। कश्मीर के बारे में जो चर्चा चल रही है, ये जो मुफ्ती जी ने कहा है, अभी तो मुझे बहुत दुख हो गया क्योंकि मैंने अभी सुना, लेकिन उमर अब्दुल्ला जो बोलते हैं कि अगर 370 कलम निकाला गया तो मैं देखता हूँ यहाँ तिरंगा कैसे लहराया जाएगा, ये फारूक जी भी बोले, ये देश में रहके हमारी सिक्योरिटी लेके, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसा लेके ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, हमारे चुनाव लड़के ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? तो ये एक चीज हुई। दूसरी बात तो हुई है कि जो उनको सेडिशन का कायदा निकालना है, ये हम भी मानते हैं कि सेडिशन के कायदे में थोड़े बदल लाने चाहिए, पॉलिटिकल हेतु से ना यूज किया जाए, उसका इस्तेमाल ठीक किया जाए, लेकिन जो देशद्रोह का कायदा है जो राहुल गांधी जी बोलते हैं कि उसको निकाला जाए, यानी आप कल मरीन ड्राइव पे तिरंगा चलाओ आप पे देशद्रोह का घटला नहीं चलेगा, ये आपको मान्य है? तो ऐसी चीजों को हम कैसे वोटिंग करें? और इसलिए हर एक वोट, जैसे मैंने कहा, जहां भी हो, जहां कमल है वहां कमल, जहां धनुष बाण है वहां धनुष बाण, तीर का बाण। कल मैं मनोज जी के पास गया था, वो भी मेरे एक बहुत ही पसंदीदा उम्मीदवार है मनोज कोटक जी, कल मैं उनके पास गया था क्योंकि उनकी भी मैं परफॉर्मेंस देखते रहता हूँ वहाँ PMC में और अभी पार्लियामेंट में। लेकिन ये सारी चीजों को हमें आगे लेके जाना है। जो मुंबई है, मुंबई के 6 सीटों में बांटी थी, मुंबई नहीं, मुंबई एक शहर है, मुंबई की आवाज बुलंद रखने के लिए एक पार्टी यानी एक
माहिती को साथ में आगे लेके जाना है और इसलिए आपके वोट्स की जरूरत है। मुंबई की आवाज बुलंद करें, जीएसटी का मसला हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मसला हो, नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो। जैसे मैंने कहा कि अभी राहुल गांधी जी के जो एक दो एमपी थे उन्होंने ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी का, मसूद अजहर को अजहर जी का, लेकिन वही राहुल गांधी स्वतंत्र वीर सावरकर को कायर और डरपोक बोलते हैं। यानी जो हमारे लिए लड़े हैं वो उनके लिए क्रिमिनल होते हैं। जैसे अरविंद जी है, केसेस जो है जो आपके लिए लड़े हुए, आपके नए हकों के लिए लड़े हैं, और ये स्वाभाविक है कि हर कोई जो भाजपा में से है, सेना में से है, आरपीआई से है, हम इतने दिन विरोधी पक्ष में रहे हैं और अन्याय के खिलाफ लड़े हैं कि केसेस हम पे है, लेकिन कोई भी केस रेप डकैती मर्डर की नहीं है। ये तो सारी चीजें कांग्रेस राज में होती थी, अभी नहीं है। अभी एक साफ सरकार दे रहे हैं, उनको तकलीफ यही है कि हमारे प्रधानमंत्री ना खाते हैं ना खाने देते हैं, यही कांग्रेस की मुसीबत है। और इसलिए मैं तो कहता हूँ राज जी, कल मैं एक पब्लिक रैली में कह रहा था कि कांग्रेस अभी समझी नहीं है कि 370 कलम क्या है। 370 कलम ये है कि हम हिंदुस्तानी वहां जाके, और कश्मीर भी हिंदुस्तानी है, वहां जाके रह नहीं सकते, जमीन नहीं ले सकते, लेकिन जिस वक्त कांग्रेस को पता चलेगा कि वहां जमीन ले सकते हैं लेकिन हमारा मकसद अलग है, उनका मकसद अलग है। हमें देश के लिए आगे जाना है। आपको सोचना है कि आपको किसको सपोर्ट करना है। एक है 56 इंच की सेना, दूसरी बाजू है 56 महागठबंधन। एक है जो प्रधानमंत्री खुद बनना है, लेकिन खुद के लिए नहीं बनना है, देश के लिए बनना है। और दूसरी बाजू है जो 56 नेता है 56 पक्ष के, खुद को हर एक को प्रधानमंत्री बनना है। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनना है, अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनना है, अच्छा वही पक्ष में मुलायम सिंह जी को भी प्रधानमंत्री बनना है, मायावती जी को प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन सबको स्वर्ग देखना, किसी को मरना नहीं है, कोई लड़ने को तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव कोई नहीं लड़ रहा, और राहुल गांधी जी तो दो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, वो उनका मैं उनपे निर्णय नहीं करूंगा, वो जो जनता फैसला करेगी वो है। लेकिन मुझे यही बात का एक आश्चर्यचकित हुआ, कल तक मुझे लग रहा था कि चलो जैसे लोग कहते हैं कि ऑपोजिशन भी होनी चाहिए देश में, मैं भी मानता हूँ कि ऑपोजिशन भी होनी चाहिए, लेकिन कल बनारस से प्रियंका गांधी जी ने लड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन कौन सी ऑपोजिशन पे, जो मोदी साहब से सामने लड़ने के लिए, चलो हारे तो हारे लेकिन लड़े तो सही, वही डरते हैं इतने कि लड़ने को तैयार नहीं है, वो कौन सी ऑपोजिशन है। जब्त वाले को टिकट दिए, तो ये सारी चीजें अभी आपको सोचनी है। और सबसे अहम बात है जो देश में चलती है, दो ग्रुप है, दो गैंग है देश में। एक है दुश्मन के टुकड़े टुकड़े जो मोदी साहब करते हैं, और एक है देश के टुकड़े टुकड़े जो कांग्रेस करने चाहती है। तो आपको सोचना है कहां वोट देना है। फाइनली मैं ज्यादा बात तो करूंगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ आपसे वोटिंग की विनती नहीं करने आया हूँ, हक से मांगने आया हूँ, क्योंकि आप सब हम एक ही है, तो हक से ही मांगते परिवार। दोस्तों को बताएंगे कि वोटिंग करो, तो सिर्फ एक बात उनको ध्यान में रखने को बोलो, एक साइड पे प्रो होता है, दूसरे साइड पे कौन होता है, एक साइड पे प्रोग्रेस होता है और दूसरे साइड पे, तो आपको चूज करना है किसको वोटिंग करना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत स्पष्ट किया, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि बाहर ये समाचार ही क्यों जाए कि शिवसेना और भाजपा में जरा सा भी विरोध है। आप व्यक्तिगत अंदर बैठकर कुछ भी कर लिए, लेकिन जब बाहर जाता है और हमारे मित्र जब हमसे पूछते हैं, तब हमारा सीना छलनी हो जाता है। देखो एक चीज है इसमें, अगर हम ये इंप्रेशन कांग्रेस और राष्ट्रवादी को नहीं देते, तो वो तो अभी तक जो सोए हैं वो तो काम पे लग जाते, तो उनको भी सोते रहने तो क्या, दो झगड़ रहे हैं। बताना चाहता हूँ, क्योंकि जबकि कई ऐसे स्कीम्स थे या प्रोग्राम थे जो हम रुका सकते थे, जब साथ में रहे तो एक भी बिल पे, यानी बिल यानी अपना पैसे वाला बिल नहीं, सांसदी बिल हो, असेंबली में बिल हो, जब भी कोई भी किसी भी आदमी ने, अगर ओवैसी हो तो ओवैसी, मसूद अजहर हो, प्रधानमंत्री साहब के खिलाफ कहा है, तो हम पहले खड़े रहे हैं, फिर दूसरे लोग खड़े रहे, पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो, कांग्रेस और राष्ट्रवादी है, किसी ने भी बीजेपी के खिलाफ कोई भी बात कही है, तो हम उनके साथ पहले खड़े रहे, फिर बीजेपी के शायद सांसद हो। लेकिन ये जो मसला है, ये सिलसिला है, 30 साल में अगर आप देखो, जब सेना और बीजेपी के साथ कोई आना नहीं चाहता था, तब शिवसेना भाजपा के साथ रही, भाजपा शिवसेना के साथ रही,
पिछले 7 सालों में जब हर एक कोई भाजपा के साथ जाना चाहता था और जो भी गलत हो उसको भी सही कहना चाहता था, तब पे हम भी हिम्मत थी कि भाई ये गलत है, अपने को वोट्स बंटवारे होंगे या वोट्स आपको नहीं आएंगे अगर ये गलत चीज हुई तो हम में वो हिम्मत थी कि नहीं ये सही रास्ता है। और ये भी दिल में बड़प्पन था दोनों के पर, पक्ष प्रमुख में अमित शाह जी हो या उद्धव जी हो, कि चलो आपकी बात सही है आगे जाते हैं, भाजपा ने कुछ गलत कहा आपकी बात सही है आगे जाते हैं। और अभी भी जब तीन महीने पहले ऐसे एक माहौल बन रहा था कि भाजपा शिवसेना और शिरोमणि के अकेले रह रहे क्या, बाकी के एलायंस दूर हो रहे क्या, तब एसएस आरएसएस और एसएस ये दूर हो ही नहीं सकते क्योंकि ये भगवा झंडा का रिश्ता है। जैसे मैंने कहा कि जिस दिन मनी शंकर अय्यर जी ने अंदमान में स्वतंत्र वीर सावरकर का जो फलक निकाला था, हम साथ में आंदोलन किए थे, अभी जब उनको सम्मानित कर रहे हैं और राहुल गांधी जी उनको कायर और डरपोक बोलते हैं तो हम पहले कहने वाले हैं। मोहन जी को कुछ किसी कोई खिलाफ उनके कहे तो शिवसेना और सामना पहले उनका उनके साथ रहते हैं। जैन धर्म के बारे में जब बात हुई थी तब एक बात चली थी कि किसने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो हमारा और भाजपा का भी और सबका मानना यही रहा है कि हम जब साथ रहते हैं सभी धर्मों का विश्वास हमारे पास है तो एक दूसरे को एक दूसरे पर कुछ ना कहे कि आप ये खाओ या ना खाओ, हर एक का धर्म अपने अपने पास रहते हैं। हम हर एक देरासर में जाते हैं, हर एक मंदिर में जाते हैं, नमस्ते करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। अभी भी उद्धव जी और नए पदम सागर जी की बात हुई, दोनों साथ में हैं, ये तो सारी चीजें होती रहती है। लेकिन जो हुआ था वो मन से नहीं किया था, अगर आप फोटो देखें जो देरासर के बाहर जो कुछ मास पकाया था वो मन से नहीं किया था, आज वो मन से कांग्रेस के लिए खड़ी रही उनकी युति है। तो ये मुझे लगता है कि बाहर बात होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके बाद भी जब ये सारा मसला चला था तब जैन ग्रुप जो है, जीतो हो, जीरो हो, ज्योतिन मुनि साहब हो, आई थिंक राज जी भी थे तब, उद्धव जी के पास आए थे, दोनों की दिल खुलास चर्चा हुई और यही हुआ था कि हम एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, एक दूसरे का एक रिस्पेक्ट करते हैं, साथ में चलते हैं एक दूसरे में। पिछले 10-12 सालों में जब हमारी बीएमसी की सरकार 25 साल से है, लेकिन पिछले 10-12 सालों में कहीं भी और जो केसेस हम पे आते हैं, देरासर को डिमोलिशन की ऑर्डर आई है तब शिवसेना और भाजपा साथ में रहकर वो डिमोलिशन रुकवाया है। तो ये जो मीडिया है उस पर आप भरोसा ना रखें, जो हमारे रिश्ते हैं, जब 1992 के जब दंगे थे तब शिवसैनिकों ने जब सबको बचाया था तो जैन है, गुजराती है, मारवाड़ी है, पंजाबी है, मराठी है, ये ना देख के मुंबईकर है ये देख के सबको बचाया था। तो ये रिश्ता बरकरार है, जो कोई उसमें एक टूट लाने की कोशिश करता है मुझे लगता है उनको लाने की कोशिश करने दो, जो दिल से साफ है उसको पता है कि क्या चीज है। बहुत जी थैंक यू। और हम पहले क्रिकेट भी खेल चुके हैं तो मुझे लगा आप शायद वो प्रश्न पूछेंगे कि मैं आउट क्यों हुआ। ये ज्यादा जरूरी क्वेश्चन बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विकास का मुद्दा है, डेवलपमेंट की बात है, तो ये एक नई जनरेशन विकास करना चाहती है, जैसे उद्धव जी हो, देवेंद्र जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, लेकिन डेवलपमेंट ये सेना बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है, ये हमारे डीएनए में। अगर आप पिछली जनरेशन भी देखें, जो मैं अपनी सरकार ने की थी, सरकार बदल गई और जो काम पूरा होना था नरेंद्र मोदी के हिसाब से वो कॉस्ट ट्रिपल हो गई और काम वन थर्ड हो गया, वर्ली तक ही पहुंच गए। लेकिन आज अगर आप देखें तो मुंबई की पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, तब हमने जो SRA का काम शुरू किया था 40 लाख स्लम डवेलर्स थे, आज कितने हैं पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो काम शुरू है, मेट्रो का काम हो, कोस्टल रोड का काम हो, अभी भी 2 दिन हम कोस्टल रोड के लिए कोर्ट के ऑर्डर के लिए रुके हुए हैं, लेकिन अभी भी कोस्टल रोड का काम जो है 1 महीने से आगे है जो शेड्यूल टाइम है उसके। तो अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, काम हो, जो स्पीड से काम होने चाहिए वो आज भी अगर आप देखें तो शुक्रगुजार है कि देश में अपनी सरकार है, NDA की सरकार है। लेकिन मैं ये हक से कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि डेवलपमेंट के काम जो हो रहे हैं, और परसों पीयूष जी ने भी बताया था में 50% पूरे जो काम है देश में डेवलपमेंट के 50% सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये काफी अभिमान की बात होनी चाहिए हमें कि जो सारे डेवलपमेंटल वर्क्स हैं मुंबई के लिए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हो, लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मेरी तो बात है कि लाइफस्टाइल के भी बारे में सोचना जरूरी है। एजुकेशन रिफॉर्म्स हो, हेल्थ केयर हो, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हो, मेंटल हेल्थ केयर हो, ये सारी चीजें तब ही आगे जाएगी जब हमारे शहर, हमारे गाँव एक सिंक में आगे जाएगी, यूनिसन में आगे जाएगी। देश परदेश की खबर वास्ते अपनो चैनल मारो राजस्थान आप तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो।